अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैर ऑफिस से होंगे। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ओवरसियर कंस्ट्रक्शन एंड एस्टेट। नाज़रीन, आज के एपिसोड में हम लोग मौजूद हैं अलकबीर टाउन फेज़ टू, जहाँ पे हम लोग तीन मतलब ब्रांड न्यू हाउस लेके आए, जो कि अलकबीर टाउन फेज़ टू की बहुत ही प्राइम लोकेशन पर यह हाउस कंस्ट्रक्ट किया गया A+ कंस्ट्रक्शन के साथ। प्लस इसका फ्लोर प्लान और इसका हाउस का एलिवेशन आप जैसे कि चेक कर सकते हैं। माशाल्लाह एक अच्छी क्वालिटी के साथ ये हाउस कंस्ट्रक्ट किया गया, जो कि अलकबीर टाउन फेज़ टू A ब्लॉक में वेरिएबल है। 1 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे हम लोग अडा प्लॉट को एक्सेस करेंगे और 1 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे हम लोग इसके मेन लोकेशन को एक्सेस करेंगे। नाज़रीन, फ्रंट एलिवेशन को डिस्कस करें तो माशाल्लाह खूबसूरत तर्ज में फ्रंट एलिवेशन स्पेनिश लुक में डिज़ाइन किया गया। आप जैसे कि चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह 3 मरले का खूबसूरत हाउस, जिसका फ्रंट एलिवेशन में माशाल्लाह कसरत से मॉडलिंग का काम किया गया। प्लस यहाँ पे हमें ऊपर इसके खूबसूरत तर्ज में कनॉप्स का काम देखने को मिलेगा, और इसके साथ माशाल्लाह एलिवेशन में जो गिल्स इस्तेमाल की गई हैं, मेन गेट और गिल्स जो इस्तेमाल की गई हैं, माशाल्लाह कलर स्कीमिंग बहुत खूबसूरत तर्ज में की गई है। उसके साथ CNC कटिंग में हमें फ्रंट गेट और इसकी माशाल्लाह फ्रंट गिल्स और माशाल्लाह विंडो की फ्रंट पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह। नाज़रीन, 30 फीट वाइड यहाँ पर रोड डिज़ाइन की गई है। उसके साथ यहाँ पे हम सबसे पहले इसका एक्सटर्नल गार्डन को डिस्कस करते हैं। न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस है, आप जैसे कि चेक कर सकते हैं माशाल्लाह। इसके खूबसूरत इसमें मेन गेट आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह, बेहतरीन किस्म में डिज़ाइन किया गया। प्लस इसकी फ्रंट वॉल में हमें 3 पिलर्स देखने को मिलेंगे, जिनके अंदर माशाल्लाह फैंसी लाइट डिज़ाइन की गई हैं, जो कि माशाल्लाह फ्रंट एलिवेशन का खूबसूरत लुक दे रही हैं। नाज़रीन, टाउन्स के लॉस के मुताबिक यहाँ पे हमें एक फ्रंट गैलरी देखने को मिलेगी, उसके साथ खूबसूरत हमारा सेपरेट यहाँ पे हमें इसका मेन हाउस के एंट्रेंस देखने को मिलेगी, पोर्टल रूम की एक्सेस देखने को मिलेगी। प्लस यहाँ साइड पे हमें स्टोर देखने को मिलेगा। फर्दर अब हम लोग चलते हैं इसके खूबसूरत में जो लिविंग रूम डिज़ाइन किया गया। लिविंग रूम के बैक पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह निश डिज़ाइन की गई है फैंसी बल्ब्स के साथ, और खूबसूरत में माशाल्लाह इसका ये सीलिंग डिज़ाइन है। सीलिंग डिज़ाइन आप चेक कर सकते हैं, जैसे माशाल्लाह फ्लोर प्लान भी जो है माशाल्लाह वाइट करारा यहाँ पे हमें इसका फ्लोर में देखने को मिलेगा। प्लस गोल्डन बॉर्डर जो है जो कि थ्रू आउट ट्रैवल करा। नाज़रीन, इसकी सीलिंग डिज़ाइन आपको थोड़ा क्लोज करके दिखाई, तो सीलिंग डिज़ाइन में आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही लग्जरियस सीलिंग डिज़ाइन है, जिसके साथ फानूस डिज़ाइन किए जो कि लिविंग रूम का खूबसूरत लुक दे रहे हैं। उसके साथ इसके साथ फ्रंट पे हमें ओपन किचन देखने को मिलेगा, ओपन किचन के साथ बेडरूम नंबर 1 के साथ साथ ही हमारा स्टेयरकेस जा रहा है फर्स्ट फ्लोर की तरफ। नाज़रीन, आपको सेकंड लुक दे देते हैं, जैसे कि आप चेक कर सकते हैं फ्रंट हमारी विंडो देखने को मिलेगी जिसकी सिक्योरिटी ग्रिल्स के साथ, प्लस हमारे डोर्स आ जाते हैं। इसके बिल्कुल ही बैक पे नाज़रीन हमें इसका ओपन किचन देखने को मिलेगा, जो कि आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह। जिसके फ्लोर में आप देखेंगे तो माशाल्लाह खूबसूरत तरीके में एक खूबसूरत मैट में टाइल देखने को मिलेगी। प्लस इसके साथ जो कबर्ड डिज़ाइन किए गए आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह, बड़ी बेहतरीन किस्म के यहाँ पे कबर्ड्स देखने को मिलेंगे, और इसके साथ खूबसूरत हमारा सीलिंग डिज़ाइन आप चेक कर सकते हैं। जैसे सीलिंग डिज़ाइन में स्ट्रिप स्लाइड्स यूज़ की गई हैं, जो कि सीलिंग को खूबसूरत लुक दे रही हैं। प्लस इसके साथ हमारा ओपन किचन है, यूज स्पेस में आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह। एक माशाल्लाह अच्छी चिपबोर्ड की यहाँ पे हमें इसकी शीट्स देखने को मिलेंगी। प्लस हमारा काउंटर है, काउंटर के साथ हमें यहाँ पे खूबसूरत बर्नर यहाँ पे देखने को मिलेगा। बर्नर के साथ हमने आपको एक स्पेशल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पे एक चीज़ दे दिया, जो कि आमतौर पर घरों में नहीं इस्तेमाल की जाती, जिसके अंदर स्पेस काफ़ी है। नाज़रीन, इसके साथ ही बिल्कुल यहाँ पे हमें बैक पे हमें इसका एक ओपन एरिया देखने को मिलेगा, जो कि बैक पे डिज़ाइन किया गया आप चेक कर सकते हैं, जिसके अंदर टाइल आप देख सकते हैं माशाल्लाह। ये बैक एरिया जो है ये 2 साइड से इसको एक्सेस हो रही है, एक बेडरूम के साथ विंडो है वो इसको एक्सेस दे रही है, और एक हमारी किचन के साथ एक्सेस है। नाज़रीन, बेडरूम नंबर 1 में हम लोग एंटर हो चुके हैं, जिसके फ्लोर में हमें वाइट करारा देखने को मिलेगा, प्लस गोल्डन बॉर्डर है जो कि थ्रू आउट ट्रैवल कर रहा है। प्लस हमारी बैक पे निश आ जाती है, निश में माशाल्लाह बल्ब डिज़ाइन किए गए हैं। प्लस इसके साथ खूबसूरत हमारा सीलिंग डिज़ाइन पे माशाल्लाह उन्होंने बहुत फोकस किया है, बहुत ही लग्जरियस लुक में तमाम सीलिंग डिज़ाइन हमें देखने को मिलेंगी, जो कि अमूमा 3 मल्ला के हाउस में नहीं देखी जाती। आप जैसे कि देख सकते हैं माशाल्लाह, इसका आपको सेकंड एंगल दिखा देता हूँ। नाज़रीन, ये हमारी बैक पे हमें इसकी कबर्ड्स देखने को मिलेंगे, कबर्ड्स आप देख सकते हैं माशाल्लाह खूबसूरत इसमें कबर्ड्स देखने को मिलेंगे, बड़ी साइज पे इसके साथ जो यहाँ के डोर्स लगाए गए हैं अच्छे वुडन के यहाँ पे हमें डोर देखने को मिलेंगे। प्लस इसके साथ हमारा ये अटैच वाशरूम आ जाता है, वाशरूम की आप टाइल स्कीमिंग देख सकते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। आप देख सकते हैं डिफरेंट बॉर्डर्स के साथ डिफरेंट टाइल वर्क देखने को मिलेगा। प्लस इसके साथ यहाँ पे मिरर के साथ बल्ब दे दिया, मिरर अभी यहाँ पे इंस्टॉल नहीं किया गया क्योंकि आपको बताया कि न्यूली कंस्ट्रक्ट है, ये आपको इंशाल्लाह करवा के देंगे साथ।
नाजिर अब हम लोग स्टेयरकेस से चलते हैं। स्टेयरकेस के आप स्टेप्स में देखेंगे तो माशाल्लाह यहाँ पे मेक मार्बल देखने को मिलेगा, ब्लैक मार्बल देखने का, ब्लैक एंड वाइट मार्बल है। उसके साथ बैक पे आप साइड पे आप देख सकते हैं जो कि डिज़ाइन मोल्डिंग का काम किया गया। बल्ब इसके साथ हमने आपको स्टेप्स में दे दिए जो कि लग्जरी लुक दे रहे हैं। और इसके साथ खूबसूरती इसका जो नीचे वाला हिस्सा है जिसके अंदर टाइलवर्क इस्तेमाल की गई है जो कि माशाल्लाह VIP लुक दे रही है। स्टेनलेस स्टील के साथ यहाँ पर हमें होल्डिंग स्पेस देखने को मिलेगी। नाज़रीन ये खूबसूरत मार्बल स्टेयरकेस का यहाँ पे हमें स्टेनलेस स्टील का यहाँ ग्रिल्स देखने को मिलेंगे। प्लस इसके साथ अब हम लोग चलते हैं इसके खूबसूरत लिविंग रूम की तरफ, फर्स्ट फ्लोर की, जिसके अंदर वाइट कलर आ थ्रू और ट्रैवल कार्ड है। प्लस इसके साथ बैक पे हमें स्पेस देखने को मिलेगी। स्पेस के साथ खूबसूरत हमारा सीलिंग डिज़ाइन है। सीलिंग डिज़ाइन अगर आप देखेंगे तो रेली में उन्होंने बहुत स्ट्रगल करके बहुत ही अच्छे डिज़ाइन यहाँ पर डिज़ाइन किए हैं। इसके साथ ही बैक पर टू विंडोज़ हैं जो कि एलिवेशन की तरफ ओपन हो रही हैं। और इसके दूसरी एंगल से आपको दिखा देता हूँ। नाज़रीन इसके बिल्कुल ही फ्रंट पे यहाँ पे हमें स्टेयरकेस के साथ हमें ओपन किचन देखने को मिलेगा, जिसके अंदर माशाल्लाह सीलिंग डिज़ाइन अगर आप चेक करें तो सीलिंग डिज़ाइन है। उसके साथ हमारी बेडरूम नंबर 1 की और बेडरूम नंबर 2 की एक्सेस दी गई है। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ से बाहर टेरेस की तरफ ले जाता हूँ। जी नाज़रीन अब हम लोग बाहर की तरफ आ गए हैं। बाहर आप देख सकते हैं माशाल्लाह जो खूबसूरत तर्ज में हमें एक अच्छी खासी स्पेस दी गई है, जिसके अंदर हम लोग आराम से खड़े होकर बाहर का लुत्फ ले सकते हैं। प्लस नाज़रीन इसके बाद अब हम लोग किचन की तरफ मूव करते हैं। किचन में आप जैसे कि देख सकते हैं माशाल्लाह कबर्ड्स आप देख सकते हैं, हमारे भाई आपको खोल के भी दिखाएंगे। एक यू साइज पे हमें कबर्ड्स देखने को मिलेंगे माशाल्लाह, हाइड्रोलिक सिस्टम के साथ यहाँ डिज़ाइन किए गए हैं। और इसके साथ नीचे आप देखेंगे तो बड़ी अच्छी साइज पे हमें यू साइज पे कबर्ड्स हैं। प्लस उसके बैक पर सिंक है, सिंक के साथ आप ये देख सकते हैं। इसके साथ हमारी 3 विंडोज़ हैं जो कि फ्रंट एलिवेशन में हमने आपको दिखाई थी। और नाज़रीन इसके साथ जो यहाँ साइड पर पार्टीशन की गई है, पार्टीशन के लिए आप देखें जो वॉल यहाँ पर डिज़ाइन की गई है माशाल्लाह यह हम खूबसूरत लग रही है, वुडन वॉल है। और अब हम लोग चलते हैं बेडरूम नंबर 1 की तरफ। आप बेडरूम नंबर 1 में आप देख सकते हैं टेक्सचर जो है फ्लोर का थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, लग्जरी लुक दे रहा है। प्लस इसके साथ हमारे बैक पे हमारा बेड वॉशरूम आ जाता है। सीलिंग डिज़ाइन को थोड़ा मूव करके देख लेते हैं। सीलिंग डिज़ाइन आप देखें बहुत ही लग्जरी लुक लग रहा है माशाल्लाह, आपको साइड एंगल से दिखा देते हैं। साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें खूबसूरत इसके कबर्ड देखने को मिलेंगे, आप जो यहाँ जो डिज़ाइन किए गए हैं। इसके साथ हमारा अटैच वाशरूम आ जाता है। वॉशरूम की टाइल की स्कीमिंग बहुत ही लग्जरी टाइप की डिज़ाइन की गई है, अच्छे एक ब्रांडेड के यहाँ पे हमें बेसन देखने को मिलेंगे। प्लस इसके साथ आप देख सकते हैं ब्लैक पिंक डार्क पिंक एंड ग्रे यहाँ पे हमें इसका टाइल वर्क देखने को मिलेगा जो कि बॉर्डर डिज़ाइन किया गया जो कि अच्छा लुक दे रहा है। डोर्स भी हैं माशाल्लाह अच्छी वुड के यहाँ डोर इस्तेमाल किए गए हैं। और ये हमारा बेडरूम नंबर 2 है, जिसके माजद को आए यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रही थी, जिसके तहत यहाँ पे भी सामान नहीं उठाया गया, जिसकी सीलिंग डिज़ाइन आप देखेंगे तो बहुत ही लग्जरी है माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह। इसके साथ बैक पे हमें कबर्ड्स हैं, कबर्ड्स के साथ वेंटिलेशन विंडो है। और अब हम लोग मूव करते हैं इसके वॉशरूम की तरफ। वॉशरूम में आप देख सकते हैं जैसे बड़े ही बेहतरीन किस्म का यहाँ वॉशरूम है, जिसके अंदर बेसन इंग्लिश डिज़ाइन की गई है। प्लस इसके साथ यहाँ पे कलर स्कीमिंग टाइल वर्क की आप देख सकते हैं, काफ़ी यूज है इसमें हमारा वॉशरूम है। नाज़रीन अब हम लोग रूफ़ की तरफ चलते हैं। रूफ़ की तरफ जाने के लिए सेम स्ट्रक्चर है। इसके साथ नाज़रीन आप ये देखेंगे तो आप हमारा खूबसूरत यहाँ पे जो उन्होंने बैक पे एक डिज़ाइन किया गया है माशाल्लाह, बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है, लग्जरी लुक। आप देखेंगे 3 मरला के घर में अमूमन हमें इस तरह की कुछ चीज़ नहीं देखने को मिलती, तो आप ये देखें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लुक लग रहा है। इसके साथ आप यहाँ पर व्यू देख सकते हैं। बाकी आपको रूफ़ को थोड़ा सा टूर करवा देते हैं। ये हमारी ममटी है, ममटी में आपको थोड़ा सा मोटा मोटा दिखा देता हूँ क्योंकि माजद को आए, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जा रही है, आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह। इसके साथ नाज़रीन ये हमारी रूफ आ गई है, आप रूफ देख सकते हैं जैसे बड़े साइज की यहाँ रूफ डिज़ाइन की गई है। और ये हमारा टूर होता है यहाँ पे एंड।